अगर हमारा पर्सनल लॉ बना हुआ है जो लॉजिकल है और फेवरेबल है और हम औरतें उससे सेटिस्फाइड है, वहां हमें पूरी सेफ्टी मिल रही है, तो फिर हमारे पर्सनल लॉ में इंटरवीन या इंटरवेंशन करके उसे चेंज करना या उसमें क्या कहते हैं कि कुछ नया निकाल के लाना, उसकी जरूरत ही पेश नहीं आ रही है। अंडर सेक्शन 125 ये कहना कि औरतों को तहफ्फुज प्रोवाइड करा जा रहा है, मुस्लिम औरतों को तहफ्फुज, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां तहफ्फुज फराहम करती जब लाखों लड़कियां कॉलेज और स्कूल से निकाली जा रही थी फॉर द सेक ऑफ हिजाब, वहां उनको इंसाफ नहीं मिला। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल और बहुत क्लियर हैं कि हमें औरतों को हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। हम जो है 18 तारीख को वुमेन इंडिया मूवमेंट में एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्या काम कर रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के वक्त में हिंदुस्तान के लिए। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details. Assalamu alaikum and a very good evening to all the women of Gulbarga. Aaj hamari ye press conference specially मखसूस गुलबर्गा की तमाम औरतों के लिए है, जिसमें हम आज एक ओपन इनविटेशन देंगे अपनी गुलबर्गा की तमाम औरतों को, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करती हों, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी रीजन या किसी भी लैंग्वेज से हों। मैं आपको थोड़ा सा विम का बैकग्राउंड बता दूं कि वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऑफिशियल वुमेन्स विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हम काम करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एट प्रेजेंट हम 12 स्टेट्स में इंडिया के इस्टेब्लिश्ड हैं विथ आवर फुल फ्लेज स्ट्रक्चर। जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले कुछ सालों से जो रिपोर्ट्स, सर्वे या जो रिसर्च निकल के आ रही है कि औरतें हिंदुस्तान का 50% रिसोर्स है, लेकिन स्टेट मशीनरी हो या यूनियन मशीनरी हो, औरतों को सेफ्टी प्रोवाइड करने में एक फेलियर साबित हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि औरतों की डिग्निटी किसी भी फील्ड में या कहीं पर भी ऑन स्टेक है। औरतों की सेफ्टी को लेकर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअली और सीरियसली अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह की न्यूज़ हम सुबह से शाम तक सुनते हैं अलग अलग इलाकों से आती हैं, कहीं रेप की किस्से हैं, कहीं किडनैपिंग है, कहीं औरतों पे तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस है, औरतें बस, ट्रेन, सड़क, मार्केट कहीं पर भी सेफ नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि वो औरतें जो इस कंट्री के लिए लॉरल लेकर आती हैं, अचीवमेंट्स लेकर आती हैं, उन्हें भी अपनी इज्जत के लिए सड़कों पर धरना देना पड़ता है और वो भी पुलिस की लाठियाँ खाती हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इशू को उठाएं, इस पर बात करें और हम इसका क्या बेहतर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए इस प्लेटफॉर्म से हम एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं। हमने 1 जुलाई 2024 से एक कैंपेन स्टार्ट किया है, मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट किया है, और इसका मकसद ये है कि ये 31 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, अपने हकूक को पहचानें, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयर हों। प्लस जो औरतें जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, हम उनको सपोर्ट करें ताकि उनको जस्टिस मिले। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास सेक्शन है, स्पेशली औरतों का, वो हर तरीके से सोशली, मॉरली, लीगली, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्राइव करता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ऐसे में हम समझते हैं कि हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसी विंग जो औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, वो बहुत सपोर्टिव होती है। चाहे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, चाहे कानून से बात करनी हो, चाहे हुकूक के लिए प्रोटेस्ट करना हो, या फिर गवर्नमेंट से कोई डिमांड करनी हो। इसी के चलते ख़ास तौर से गुलबर्गा में हम जो हैं
18 तारीख को वुमेन इंडिया मूवमेंट में एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं जो खास व आज सभी आम सभी के लिए होगी। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्या काम कर रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के वक्त में हिंदुस्तान के लिए। तो हिंदू पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारा मैसेज है, लेकिन 18 तारीख को हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम जो हम अरेंज करेंगे उसके लिए हम गुलबर्गा की सभी औरतों को एक ओपन इन्विटेशन देते हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि SGPI की वुमेन विंग है, तो हम सबसे पहले सोशल इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। हम एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह इस प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हाउ टू एम्पावर द वुमेन। इसके अलावा हम औरतों को किस तरीके से अवेयरनेस दिला सकते हैं या फिर उनकी जस्टिस के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं, इवन चाहे वो सोशल लेवल पर हो, चाहे पॉलिटिकल हो या फिर लीगल हो। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल और बहुत क्लियर हैं कि हमें औरतों को हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उसके लिए हमें एक अच्छे और मजबूत प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जितनी औरतें हमारे साथ जुड़ती हैं हम उनको एम्पावरमेंट करते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके लोकल इश्यूज हो या फिर कोई वायलेंस के इश्यूज हो, उनके ऊपर बात करके उनको किस तरह सपोर्ट किया जा सकता है, ये हमारा मकसद होता है। मेरा जो मेंटेनेंस केस का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक अच्छा डिटेल स्टेटमेंट आ चुका है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ कि राइट टू रिलीजन ये मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू रिलीजन में हम अपने रिलीजन को और उसके बनाए हुए लॉज को फॉलो कर सकते हैं, ये हमें कानून हमारा कानून ऑलरेडी बना हुआ है 1937 सेक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है कि देर इज नो मेंटेनेंस अंडर द शरिया लॉ और अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ वंस अ वुमेन गेट डिवोर्स। एक बार औरत जब डिवोर्स्ड हो गई तो क्या वो अपने हस्बैंड की बीवी रह गई? नहीं रह गई, वो एक्स हो गई। तो जब कोई औरत बीवी नहीं रह गई तो बीवी होने के हकूक से भी वो खारिज होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जितने भी इस मुल्क में कम्युनिटीज रहती हैं वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करती हैं और मेजॉरिटी रिलीजन जो अपने अपने लॉ रखते हैं उन लॉ को हर जगह फॉलो किया जाता है। हिंदूज का भी अपना पर्सनल लॉ है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि एडॉप्शन का मामला हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सक्सेशन का मामला हो, तो इसी तरह मुस्लिम्स का भी अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसमें हम शरीयत के कानून को फॉलो करते हैं। कुरान का रेफरेंस और हदीस का रेफरेंस भी मौजूद है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो इंटरवीन कर रहा है ये मैं समझती हूँ फेवरेबल नहीं है। हाँ, मैंने जजमेंट पढ़ा है और इस जजमेंट में यही है कि अगर औरत जो है वो डिवोर्स दी जाती है या डिवोर्स उसको की जाती है तो वो उसके बाद भी अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की पूरी पूरी हकदार है। प्लस उसमें उन्होंने एक दो क्लॉज ये लगा दिए कि अगर ये हो जाए कि वो औरत जो थी वो मतलब उसकी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, तो फिर वो लॉ जो है वो भी उसमें डिफरेंट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे ये बात करूँगी कि मेरे को ये एक लॉजिक समझा दीजिए कि एक औरत जो अब अपने शौहर से अलग है, हमारे इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिचुएशन पे आया है कि शाहबानो नाम की सबसे पहली औरत जिन्होंने कई साल पहले मेंटेनेंस का केस डाला था, उनका मानना था कि जब उनके शौहर ने उनको डिवोर्स किया तो इनको अलग से भत्ता मिलना चाहिए, वो भत्ता उन्होंने मतलब अपने लिए पर्सनल मांगा था। वैसे तो इस्लाम में क्या है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों का मेंटेनेंस तो बाप के हक में रहेगा, बीवी डिवोर्स हो या बीवी को डिवोर्स ना हो, चाहे बीवी सेपरेट हो जाए या बच्चे बीवी के साथ चले जाए, बच्चों की मेंटेनेंस बाप के हक में आती। लेकिन एक बार औरत का शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक मर्द से खत्म हो गया तो देर इज नो लॉजिक कि औरत जो है वो अब एक स्ट्रेंजर से जाए और मेंटेनेंस मांगे। एक बार दूसरा, इस कानून में जो अभी जो वर्डिक्ट आया इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। मुझे बताइए, एक औरत अगर सेकेंड मैरिज कर लेती है और वो उसे डिक्लेयर नहीं करती तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस है कि वो पहले हस्बैंड को से मेंटेनेंस लेती रहेगी, तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत क्रिएट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक मर्द जिसने एक औरत को छोड़ दिया वो उसे भत्ता देता रहेगा या जो दूसरी औरत को वो शादी करके लाएगा उसके ऊपर मेंटेनेंस देगा? तो एक औरत को हक दिलाने के लिए आप एक दूसरी औरत के हक को डाका डाल रहे हैं,
तो बहुत सारे लूप होल्स हमें समझ में आते हैं, तो हम इसको फेवरेबल नहीं मानते, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि मेरे रिलीजन के देखिए एक बात सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का वर्डिक्ट पास करती है, जुडिशरी हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशरी जो वर्डिक्ट होता है, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल वर्डिक्ट, ठीक है, इसको जनता को मानना पड़ता है टिल कि हम उसे जाके दोबारा चैलेंज ना करें। तो इसमें बहुत सारे लूपहोल्स निकल के आ रहे हैं, इट क्रिएट्स अनदर करप्शन इन द सोसाइटी। पहली बात तो हम यहीं पे अटक जा रहे हैं कि अगर हमारा पर्सनल लॉ बना हुआ है जो लॉजिकल है और फेवरेबल है और हम औरतें उससे सेटिस्फाइड हैं, वहां हमें पूरी सेफ्टी मिल रही है, तो फिर हमारे पर्सनल लॉ में इंटरवीन या इंटरवेंशन करके उसे चेंज करना या उसमें क्या कहते हैं कि कुछ नया निकाल के लाना, उसकी जरूरत ही पेश नहीं आ रही है। देखिए हम यही देखते हैं, हम देखिए जब हम तो बने ही औरतों के एम्पावरमेंट के लिए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट कराने के लिए, हम तो वैसे ही किसी भी जगह अगर औरत के साथ इनजस्टिस होता है तो वी आर द फर्स्ट एंड बहुत क्विक होते हैं कि हम पहुंच के वहां पर चीज़ों को करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी ऐसी चीज़ को फेवरेबल नहीं मानते जो औरत को हक दिलाने के नाम पे अनदर करप्शन क्रिएट कर रही हो। और एक बात कहना चाहूँगी, अंडर सेक्शन 125 ये कहना कि औरतों को तहफ़ुज़ प्रोवाइड करा जा रहा है, मुस्लिम औरतों को तहफ़ुज़, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ तहफ़ुज़ फराहम करती जब लाखों लड़कियाँ कॉलेज और स्कूल से निकाली जा रही थी फॉर द सेक ऑफ हिजाब, वहाँ उनको इंसाफ नहीं मिला। नहीं मैं ये तो क्यों नहीं अभी तक उस पर क्यों नहीं बात हुई, सुप्रीम कोर्ट को इसे इस इशू को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लेना था, लेना चाहिए था, क्योंकि लाखों लड़कियों के एजुकेशन ऑन स्टेक है, इजंट इट, एम आई राइट, इफ बताइए आप एग्री करते हैं कि नहीं। दूसरी बात, असमत रेजियाँ होती हैं, रेप का तो अभी ऐसा चलन चल गया है, इट्स अ न्यू नॉर्मल इन इंडिया, रेप होता है, कोई उम्र नहीं है, कोई सेक्शन नहीं बचा, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसकी बच्ची इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती हो, क्या कहते हैं अफेयर के नाम पे, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे लड़कियां काट दी जाती हैं, नो पनिशमेंट एट ऑल, कोई कल्प्रिट मिलता नहीं है, कल्प्रिट मिला तो फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं बहुत सारा मैनिपुलेशन हो जाता है, वो छूट जाता है। अब बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था, खैर छोड़ें अभी वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट ये कि हम औरतों की सिचुएशन से हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड नहीं है, तो स्टेट मशीनरी हो या यूनियन मशीनरी हो, औरतों को जो तहफ़ुज़ प्रोवाइड करना चाहिए था उसमें वो कंप्लीट फेलियर है। ऐसे में हम जैसी प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आगे आएं और हम औरतों को जस्टिस दिलाना हो, उनके वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, या जहाँ उनके फंडामेंटल राइट्स का मामला होता है वहाँ बात करनी हो, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हम एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को समझिए और इसे ज्वाइन कीजिए। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open, contact for details.